फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं स्पेगेटी, वो भी देसी चाइनीज स्टाइल में। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्पेगेटी को बॉईल कर लेंगे। 10 मिनट तक इन्हें अच्छे से बॉईल कर लें। इसमें साथ ही साथ हम डाल देंगे नमक। स्पेगेटी को हम 80% कुक कर लेंगे और उसके बाद छन्नी में निकाल लेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं तेल, जिससे वो आपस में चिपके नहीं। अब हम एक पैन में डाल रहे हैं तेल। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन कूट के रखा था, वो डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज अच्छे से सौते हो जाए, उसके बाद हम इसमें वेजीज डालेंगे। यहाँ पे हमने कैप्सिकम, पत्ता गोभी और गाजर को कट करके रखा है, वो डाल देंगे। आप इसमें बीन्स, फ्रेंच बीन्स और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अब हम चाइनीज स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे सॉसेस। सबसे पहले हम डाल रहे हैं थोड़ी सी सेजवान सॉस, चिंग्स की ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस, टोमेटो केचप, नमक और काली मिर्च। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 4 से 5 टमाटर की प्यूरी। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे बॉइल्ड की हुई स्पेगेटी। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और बस हमारी देसी चाइनीज स्टाइल स्पेगेटी तैयार है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।